आपके एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फेल होने से सभी रास्ते बंद थोड़ी हुए हैं। हार नहीं माननी है, अभी बहुत वैकेंसी है। नमस्कार दोस्तों, सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और थंबनेल देख लिया होगा, आज हमारी वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज वीडियो बनने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेकर जो भी आपके डाउट है सभी डाउट को क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। जो बच्चे निराश हैं, जिनके 69, 69, 60, 60 नंबर आ रहे थे वो फिर भी फेल हो गए हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूं, और जो बंदे पास हो चुके हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। पहले एक बात बता दूं दोस्तों, जो भी बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वो आज से ही, अभी तक फिजिकल की तैयारी नहीं करी है तो आज से ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे और जोरदार तरीके से फिजिकल की तैयारी करें। जो बच्चे फेल हो गए हैं, याद रखना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, उसमें उनके 60, 60, 61, 61 नंबर आ रहे हैं, तब भी वो फेल हो गए हैं, तो उनको निराश नहीं होना है, ठीक है। आपको वर्दी चाहिए ना, ठीक है, आपका लक्ष्य था वर्दी लेना, तो आपको वर्दी जरूर मिलेगी। मैं बताऊंगा आपको उसकी तैयारी करनी है, आपको वर्दी जरूर मिलेगी। आप चाहते हो 2021 के अंदर वर्दी लेना तो 2021 में ही आपको वर्दी मिलेगी। तो दोस्तों जो भी बच्चे फेल हुए हैं उनको अब निराश नहीं होना है, हमको वर्दी चाहिए, आज नहीं तो कल वर्दी चाहिए, अरे यहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं कहीं हमको तो वर्दी चाहिए, तो आपको वर्दी जरूर मिलेगी। दोस्तों आपको हार नहीं माननी है, वापिस से खड़ा होना है, वापिस से जोरदार तरीके से तैयारी करनी है और हम अब की बार वर्दी लेकर रहेंगे। अब की बार तो हम 60 ही नंबर लेके आए थे और अब की बार हम इससे भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ये लेकर चलो। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जो बच्चे फेल हो गए हैं तो उनको अब किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आपके एक बार फेल होने से, आपके एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फेल होने से सभी रास्ते बंद थोड़ी हुए हैं। हार नहीं माननी है, अभी बहुत वैकेंसी है, ठीक है, सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है SSC GD की। वर्दी चाहिए ना, वर्दी आपको जरूर मिलेगी। SSC GD के फॉर्म इसी मार्च के महीने में शुरू होने जा रहे हैं, तो आपको SSC GD का फॉर्म जरूर भरना है, जिनकी भी एज है जरूर भरना है और शानदार तरीके से SSC GD की तैयारी करनी है। लगभग 40,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही बंपर वैकेंसी है। तो वन पाल, वन रक्षक, राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस SI, इसके अलावा रीट, बहुत वैकेंसी है, RRB, गुरुपड़ी का भी शानदार मौका, लेकिन आप वर्दी लेना ही चाहते हो तो वन पाल, वन रक्षक, इधर को राजस्थान पुलिस SI, इसकी तैयारी में लग जाओ, आपको हार नहीं मान रही है। मैं भी दोस्तों आपके साथ साथ हूं, आपके साथ साथ तैयारी करूंगा और आपको भी मैं मेरे साथ लेकर चलूंगा, तो आपको हार नहीं मानना है। बहुत लोग बोल रहे हैं, पूरी आस लगाकर बैठे थे हम तो फिजिकल की रोजाना तैयारी कर रहे थे, हमारे सब पर पानी फिर गया, तो आपको यह सोचना नहीं है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं सोचना। तो दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया था, जब आपने एग्जाम लगा था उसी टाइम मैंने बता दिया था कि राज संबंध और कोटा वालों की हालत खराब होने वाली है। मुझे दोस्तों पहले ही पता चल गया था, दोनों का बिल्कुल सरल पेपर था, याद रखना दोनों का बिल्कुल सरल पेपर था। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चों ने फॉर्म, OBC के बच्चों ने खूब जमकर फॉर्म लगाया है, क्योंकि यहां पर दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी थी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि यहां पर कुछ ज्यादा जाने वाली है। और ज्यादातर दोस्तों आपको बता दूं एक्स सर्विसमैन को ले लिया, ठीक है, आप नाराज भी होंगे लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला, आपको आगे की रणनीति बनानी है, आगे तैयारी कैसे करनी है, आज से ही दोस्तों आपको जग जाना है और आज शाम से ही टाइम टेबल बना लो, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो उसका टाइम टेबल बना लो और जहां पर भी आप फटते हो वहां सामने चपका लो, उसके हिसाब से आपको चलना है, आपको पढ़ाई करनी है जोरदार तरीके से। तो दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया और जो बच्चे पास हो गए हैं उनको बता दूं, आप फिजिकल की तैयारी करो, आपको डरना नहीं है, कोई कुछ भी बोले आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, जोरदार तरीके से फिजिकल की तैयारी करो। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।